आप सभी से नमस्कार। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। एक खुशखबरी है जो आँखों के मरीज हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक आई क्लिनिक खुल रहा है जिसमें ओपीडी सिर्फ 30 रुपये है और आँखों का ऑपरेशन मुफ्त होगा, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। थोड़ा सा ये बैनर दिखा दीजिए। रॉयल आई क्लिनिक है, ए यूनिट ऑफ वेदांता हॉस्पिटल फरीदाबाद। डॉक्टर जतिन वाधवा, MBBS MS ऑप्थेल्मोलॉजी सीनियर कंसल्टेंट, KC बड़खल रोड, नियर शर्मा चौक, फरीदाबाद। तो आइए चलते हैं, उद्घाटन हो रहा है, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, रिबन काटा जा रहा है, देखिए इधर दिखाइए, रिबन काटा जा रहा है। बहुत खुशी की बात है, डॉक्टर जतिन जी रिबन काट रहे हैं। तालियां बजाएंगे, सब कोई तालियां बजाएंगे। अब डॉक्टर साहब से बातचीत भी कर लेंगे। डॉक्टर साहब आ जाइए, अब इधर ही आ जाइए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत बधाई हो, अस्पताल आपने खोला है। जो हमने सुना है कि यहाँ पर आँखों का ऑपरेशन मुफ्त होगा, OPD सिर्फ 30 रुपये होगी, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। हाँ। यहाँ पे मेनली ये जो हमने मरीजों की सुविधा के लिए किया है, कम से कम दाम में उनको पूरी सुविधा, ऑपरेशन फ्री किया जाएंगे, है ना, और हर तरीके का आँख का यहाँ पे इलाज किया जाएगा। तो अगर कोई सुविधा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो हम उनको आगे भी उस चीज़ के लिए कम से कम दामों में उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे लोगों को पता चलेगा यहाँ पर आँखों का ऑपरेशन मुफ्त है, OPD 30 रुपये है, यहाँ तो भीड़ मच जाएगी, फिर आप इतनी भीड़ को कैसे संभालेंगे? सारे हमने उसके लिए तैयारी करके रखी है, सारी मशीनें हमारे पास, ट्रेंड ऑप्टोमेट्रिस्ट, मैं खुद यहाँ पे रहता हूँ, तो सारा सुविधा उनके लिए अवेलेबल है, कोई चीज़ की उन्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहीं पर काम करते हैं या कहीं और काम करते हैं? हम मेनली तो यहीं पे हूँ मैं, और एक दूसरी जगह भी काम करता हूँ, लेकिन यहाँ पे किसी चीज़ के लिए कभी भी किसी भी टाइम अवेलेबल है, कोई चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं होगी। सर ये आइडिया कहाँ पर आया कि सिर्फ 30 रुपये में OPD और आँखों का ऑपरेशन मुफ्त होगा? देखिए, फरीदाबाद में काफ़ी जगह पे ये चीज़ चल रही है चैरिटेबल हॉस्पिटल्स के लिए, लेकिन इस एरिया में यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, तो इस साइड पे हमने ये चीज़ स्टार्ट की है ताकि यहाँ के लोग भी इस चीज़ से वंचित ना रहें और उन्हें भी ये सुविधा कम से कम दाम पे अच्छे से अच्छा काम मिल सके। तो खर्चा कहाँ से निकलेगा जब फ्री में बांटेंगे? देखिए, ये जो 30 रुपये की फ़ीस रखी है, देखिए हम यहाँ पे मेनली जो काम कर रहे हैं वो चैरिटी का कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जो बेसिक जो नीड है, जो बेसिक दवाइयाँ हैं, जो थोड़ा बहुत, या फिर जो अगर चश्मा किसी मरीज़ को चलता है, बेसिक कम से कम दामों पे, इन्हीं में ही सारी चीज़ का किया जाएगा। मशीनें वगैरह हैं या टेस्टिंग? सारी टेस्टिंग की मशीन सर, बिल्कुल। आइए थोड़ा दिखाते हैं, क्लिनिक दिखाएंगे डॉक्टर साहब। ये देखिए काउंटर है, रिसेप्शन है यहाँ पर, और देखिए आँखों के फ्रेम वगैरह यहाँ पर उपलब्ध हैं, चश्मा वगैरह यहाँ पर उपलब्ध है, हर चीज़ यहीं पर बनेगा डॉक्टर साहब? चश्मा वगैरह भी मिलेगा यहाँ पर? बिल्कुल, चश्मा भी बनाए जाएंगे कम से कम दामों पे, सारी चीज़, सारी सुविधा अवेलेबल है। ठीक है, अंदर क्लिनिक भी दिखा दीजिए। ये बैठने का, बैठने का है यहाँ पर, दिखा दो भाई, चेयर वगैरह पर्याप्त है यहाँ पर। डॉक्टर साहब अपना केबिन भी दिखा रहे हैं, देखिए मशीनें वगैरह भी यहाँ पर हैं। कौन कौन सी मशीनें हैं डॉक्टर साहब, थोड़ा बताएं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पेशेंट की आँख की जांच के लिए पूरी मशीन है, इसमें हम पेशेंट की आँख, पूरा आँख का पर्दे तक सब कुछ देख सकते हैं। ये आँख के चश्मे के नंबर के लिए मशीन अवेलेबल है, जो ऑलरेडी पेशेंट के पास अगर चश्मा है तो उसमें क्या नंबर है उसके लिए मशीन अवेलेबल है, उसकी नज़र की जाँच के लिए सारी सुविधा अवेलेबल है, सारी सुविधाएँ हैं यहाँ पर। बिल्कुल, एड्रेस बता दीजिए अपनी क्लिनिक का। आप बोर्ड देख ही चुके हैं, रॉयल आई क्लिनिक नाम है, है ना, एक तो बार बता देंगे तो पब्लिक को समझ में आ जाएगा। शर्मा चौक के बगल में SGM नगर, है ना, रॉयल आई क्लिनिक के नाम से। बहुत हाँ जी, चलो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और अस्पताल खोला है तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। आइए कुछ कस्टमर भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस अस्पताल के बारे में। आइए थोड़ा सा बात करते हैं, आप लोग शेयर ज़रूर करें। ताऊ बैठो, ताऊ से बातचीत करेंगे। ताऊ नमस्कार। नमस्कार बाबू जी, क्या नाम है ताऊ? वीरपाल सिंह। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो हिंजी ब्लॉक में रहता हूँ सर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 30 रुपये में सिर्फ OPD और आँखों का ऑपरेशन मुफ्त, तो
तो सस्ता नहीं है? सस्ता जी, बहुत सस्ता है, बहुत खुशी होगा इससे, बहुत फायदा होगा इससे। अच्छा। गरीब आदमी का बहुत फायदा है, फायदा है। हाँ, और होना भी चाहिए गरीब आदमी के लिए। सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते तो वो ऑपरेशन नहीं करा पाते। सुविधा मिलेगी जी, पूरी सुविधा मिलेगी। खुश है आप? बहुत खुश है इस बात से। तो आइए देखते हैं, कुछ और लोग हैं यहाँ पर, और भी ताऊ हैं। ताऊ नमस्कार, राम राम, क्या हाल है? सुना यहाँ के बारे में आँखों का ऑपरेशन मुफ्त है? हाँ जी, आँखों का ऑपरेशन मुफ्त है, सब बात की सुविधा है जी यहाँ। हाँ, सब चीज की। और 30 रुपए में ही जांच करा लूँ? और 30 रुपए में ही, मतलब जो है सारा काम। सिर्फ 30 रुपए? हाँ, ऑपरेट चार्ज कुल 30 रुपए है। हाँ, तो सस्ता है कि नहीं? बहुत सस्ता है जी, सब बात की सुविधा मिलेगी। चलो, काफी सस्ता है दोस्तों। हम तो चाहते हैं पब्लिक का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, और इसीलिए हम ये दिखाने आए हैं। भाई साहब नमस्कार, आपको भी कुछ जानकारी मिली, सूचना मिली यहाँ के बारे में? जानकारी मिली, ओपीडी 30 रुपए, आँखों का ऑपरेशन मुफ्त है। ठीक 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 है जानकारी। क्या नाम है आपका? रामपाल सिंह जी। कहाँ से आए हैं? यहीं रहते हैं। सही है ना, फायदा होगा? फायदा ही होगा, फायदा होगा। चलो ठीक है, सब यही कह रहे हैं कि फायदा होगा। ये थोड़ा सा लोकेशन फिर से दिखाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए और यहाँ पर आने में आसानी हो। आज अस्पताल खुला है तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, ये केसी बड़खल रोड है जो सीधा बड़खल झील की तरफ जाता है, और यहीं पर जो है ये अस्पताल खुला है, क्लिनिक खुला हुआ है। आपको फिर से दिखा देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। थोड़ा उधर दिखाइए, बोर्ड वगैरह, बोर्ड दिखा देंगे तो आइडिया हो जाएगा पब्लिक का। रॉयल आई क्लिनिक आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल पूरी बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पर। बिल्डिंग का क्या नाम है? के प्लाजा। हाँ, के प्लाजा दिखाइए यहाँ पर, जीवन के प्लाजा ये लिखा हुआ है, इसी बिल्डिंग में है ये क्लिनिक। दोस्तों वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि पब्लिक इसका फ़ायदा उठाए, यहाँ पर आए और ज़्यादा से ज़्यादा आँखों का चेकअप कराए, ऑपरेशन कराए। जैसा कि डॉक्टर साहब सर्विस दे रहे हैं तो बहुत अच्छी सर्विस है फरीदाबाद के लिए। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह नमस्कार।